हेलो एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इट्स इजी फॉर लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू। फ्रेंड्स, फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है और फेस्टिव सीज़न शुरू होते ही शॉपिंग तो ज़रूर होगा। तो आज के लेसन में हम फेस्टिवल्स और शॉपिंग रिलेटेड वर्ड्स सीखेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहले हम फेस्टिवल से रिलेटेड वर्ड्स सीखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मीन्स उत्सव या जश्न। सेरेमनी, सेरेमनी मीन्स समारोह या तकरीब। चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान पुण्य करना या सदका देना। कमेमोरेशन मीन्स स्मरणोत्सव या यादगारी में कुछ मनाना। कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स समुदाय या बरादरी। कंसीडर, कंसीडर मीन्स विचार करना या गौर करना। कल्चरल, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक या सकाफती। डेकोरेशन, डेकोरेशन मीन्स सजावट, ज़ेबाइश भी कह सकते हैं। डेमन, डेमन मीन्स राक्षस, देव, जिन, दैत्य। फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स उपवास या रोज़ा रखना। फीस्ट एंड स्वीट्स मीन्स दावत देना, मिठाइयाँ खिलाना। फीस्टिंग, फीस्टिंग मीन्स भोज या फिर खाना खिलाना। फेस्टिवल, फेस्टिवल मीन्स पर्व, त्यौहार, त्यौहार। फायरवर्क्स, फायरवर्क्स मीन्स पटाखे या आतिशबाजी करना। गारलैंड, गारलैंड मीन्स फूलों का हार या माला। गिफ्ट गिविंग, गिफ्ट गिविंग मीन्स उपहार देना या तोहफा देना। गॉडेस, गॉडेस मीन्स देवी। लाइटिंग, लाइटिंग मीन्स प्रकाश करना, रोशनी करना। मून साइटिंग, मून साइटिंग मीन्स चंद्रमा का दर्शन या चांद का निकल आना, चांद देखना। ओरिजिन मीन्स मूल या असल। प्रेयर, प्रेयर मीन्स प्रार्थना या दुआ। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मीन्स तैयारी करना। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि या खुशहाली। पर्पस, पर्पस मीन्स उद्देश्य या मकसद। रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स धार्मिक या मजहबी। रिमेम्बरिंग मीन्स याद करना, याद रखना, याद आना। रिचुअल्स, रिचुअल्स मीन्स रस्म, रस्मों रिवाज, रसूमात। सैक्रिफाइस मीन्स त्याग या कुर्बानी। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, खास, अहम। सिंबोलिक मीन्स प्रतीकात्मक या अलामत। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स प्रथा या रिवायत, रिवायत। वर्शिप, वर्शिप मीन्स पूजा या इबादत। और अब हम शॉपिंग रिलेटेड वर्ड्स सीखते हैं। अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मीन्स सस्ती, जो ख़रीदा जा सके। एप्लियंसेस, एप्लियंस मीन्स उपकरण, आलात, इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे जो उपकरण होते हैं। बारगेन, बारगेन मीन्स तोल मोल करना, सौदेबाजी करना। बिल, बिल जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उसके अगेंस्ट में जो आपको रिसीट मिलता है। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्राइस से कम अमाउंट पे बेचना। बाई मीन्स खरीदना, खरीदारी करना, परचेजिंग करना। बाई कार्ड, ये एक पेमेंट मेथड है जब आप बैंक कार्ड के थ्रू कुछ पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। चीप मीन्स सस्ता। कॉस्ट मीन्स लागत, यानी कि किसी चीज़ सामान को खरीदने पे जितना खर्च होता है। कॉस्टली यानी कि महंगा। कस्टमर, कस्टमर मीन्स ग्राहक या गाहक, खरीदार भी कह सकते हैं। डिलीवरी, डिलीवरी मीन्स वितरण या तरसील। एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना, अदला बदली करना, तबादला भी कह सकते हैं। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, प्राइसी, सारा एक ही हुआ।
फ्ली मार्केट मीन्स कबाड़ी बाजार, जहाँ पे आपको सेकेंड हैंड प्रोडक्ट कम दामों में मिल सकते हैं। फॉर सेल का मतलब बेचने के लिए, फरोख्त के लिए, अवेलेबल टू बाई। ग्रॉसरी शॉपिंग मीन्स किराने की खरीदारी, राशन की खरीदारी। गारंटी, किसी प्रोडक्ट का जो गारंटी आपको मिलता है, अगर इन बिटवीन वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाए तो आपको एक्सचेंज करके नया मिल जाता है। इन कैश, ये भी एक पेमेंट मेथड है, पेमेंट मोड है, जो आप नकद में ख़रीदारी करते हैं। ऑफ़र का मतलब होता है प्रस्ताव या पेशकश, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस से कम दाम पे कुछ सेल होना। ऑन सेल का मतलब बिक्री पर, यानी कि कुछ प्राइस से कम दाम पे बिक्री होना, दैट इज़ कॉल्ड ऑन सेल। पे फॉर मंथ्स के भुगतान के लिए या के लिए अदायगी, कुछ आप खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो आप पेमेंट करते हैं। प्राइस टैग का मतलब होता है मूल्य कटैग या कीमत कटैग, जो कि प्रोडक्ट के ऊपर लगा होता है। प्राइसी का मतलब भी होता है महंगा या कीमती। परचेज मीन्स भी खरीदारी। रिसीट का मतलब होता है रसीद। रिफंड मतलब होता है धन की वापसी या वापस करना। रेट फुटकर विक्रेता, जहाँ पे फाइनल कंज्यूमर जाके, फाइनल कस्टमर जाके खरीदारी कर सकते हैं। रिटर्न का मतलब वापस या वापसी करना। सैंपल का मतलब होता है नमूना, ठीक है, ख़रीदारी करने से पहले अगर आपको कुछ सैंपल मिल रहा है तो आप देख सकते हैं। शॉप का मतलब दुकान। शॉप अराउंड का मतलब होता है कि आप दो तीन जगहों पे जाके चेक कर सकते हैं, प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। शॉप असिस्टेंट मीन्स विक्रेता सहायक, या दुकान में जो आपको असिस्टेंट मिल जाते हैं आपके सामान को पहुँचाने के लिए, आपकी हेल्प के लिए। शॉपहोलिक का मतलब वो बंदा जो ख़रीदारी का आदि हो। शॉपिंग बास्केट मतलब ख़रीदारी करने के टाइम पे आपको जो शॉपकीपर जो आपको बास्केट प्रोवाइड करते हैं। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, निशाना या हदफ। टाइट बजट का मतलब आपके पास एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा का सामान आप खरीद नहीं सकते हो, आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं। होलसेलर मीन्स थोक व्यापारी या थोक फरोश। विंडो शॉपिंग का मतलब होता है कि आप जस्ट इधर उधर जाके सामान देख रहे हो बट आपने कुछ बाई नहीं कर रहे हो। एंड फ्रेंड्स, दैट्स द एंड ऑफ दिस लेसन। होप यू एंजॉयड इट। इफ यस, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।